हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नोकिया प्योरव्यू X14 के बारे में। जो सब कमेंट आया था रिव्यू, लॉन्ग टर्म रिव्यू, और लैपटॉप को ख़रीदना चाहिए कि नहीं, और लैपटॉप में कितना स्टोरेज वगैरह है, और 50 के सेल में 50 के अंडर 50 के ख़रीदने चाहिए कि नहीं, और कैसे वारंटी वगैरह क्लेम करेंगे, और कैसे विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 अपडेट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आया था, तो मैं ये वीडियो में सारा कुछ कवर करूँगा। और पहले बात करते हैं डिज़ाइन और स्टाइल के बारे में। और बहुत ही थिन, बहुत ही लाइट वेट है, और इसमें मैट फिनिश है, और मैग्नीशियम एलॉय का चेसिस है। तो मैं बोलूँगा कि बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो बटन और कीपैड का बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। ज़्यादा ठीक ठाक है, बट बटन रेस्पॉन्सिव ज़्यादा नहीं है। दो बार क्लिक करने के बाद ही वो ऑन होता है, कभी कभी एक बार में नहीं होता है ऑन। तो बिल्ड क्वालिटी हम ओवरऑल देखेंगे तो अच्छा है। एक बार गिर भी गया था 3 फुट हाइट में, बट ठीक सर्वाइव कर लिया। और बाकी चेसिस का बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले ग्लास काफ़ी अच्छा है। और हिंजेस के बारे में बात करेंगे, तो ये जब नया खरीदा था हिंजेस ठीक ठाक था, ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन जब अभी बहुत लूज़ हो गया है, मतलब ओपन करने में क्लोज करने में लूज़ लगता है, और ये हिंजेस का क्वालिटी भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, और दोनों हैंड से ही हम इसको ओपन कर सकते हैं, और ओपन होने के बाद यह बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है। तो आपको केयरफुली ये सब चीज़ें का ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें स्क्रैचेस और फिंगरप्रिंट आ जाता है जब ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपको रिपीटेडली साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो साफ़ नहीं रहता है। और बाकी हम पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो पोर्ट्स काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल भी ये लूज़ नहीं है। बहुत बार मैं यूज़ कर चुका हूँ, जितने भी पोर्ट्स दिया, 3.5 mm, 3.1 पोर्ट्स, USB पोर्ट और USB टाइप सी पोर्ट और चार्जिंग पोर्ट, तो सारे पोर्ट अच्छे दिए हैं। और पीछे की साइड वेंटिलेशन के लिए दिया है, हीट डिस्पेंस करने के लिए, तो बहुत सारे वेंटिलेशन के लिए है। ज़्यादा हीट हो जाता है जब हम चार्जिंग पे बिठा के काम करते हैं। ओके, तो ये अच्छा चीज़ दिया है कि हीट वो डिस्पेंस होगा इधर से। और नीचे की साइड दो स्पीकर है, स्पीकर की क्वालिटी अभी वीडियो में बात करेंगे बीच में। और उसके बाद हम बात करेंगे जो इसका दिया है फीचर्स के बारे में, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस, अभी वो टेस्ट कर लेंगे। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, तो 10th जनरेशन का i5 प्रोसेसर है विथ 8 GB रैम, 512 GB SSD विथ अल्ट्रा SD इंटेल इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स दिया है, जो गेमिंग के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट ठीक ठाक है बिजनेस पर्पज़ के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए। और इसमें कैमरा की क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, 720p का कैमरा दिया है। और इसमें जो है लेजर वाला लाइट जो स्कैन करता है फेस को अनलॉकिंग करने के लिए, बहुत ही फास्ट काम करता है, ये बहुत सिक्योर है, जो कि ये मुझे ये वाला फीचर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत फास्ट भी काम करता है। और उसमें बैकलाइट कीबोर्ड है, जो लाइट ज़्यादा ब्राइट नहीं है बट ठीक ठाक है, रात को आप काम कर सकते हैं अच्छे से। और बाकी सब अदर लैपटॉप्स में आप देखेंगे तो टच करने से ही लाइट जल जाता है, तो आप उसके बाद काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कोई भी की एंटर करने के बाद ही लाइट जलता है, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं, जो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। और इसमें बटन से लाइट को ब्राइटनेस कमाने के लिए और बढ़ाने के लिए। और डिस्प्ले का हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं है, बट हैवी लाइट होगा तो, बहुत ज़्यादा लाइट होगा तो रिफ्लेक्शन हो सकता है, लेकिन बहुत ही अच्छा डिस्प्ले दिया है मैं बोलूँगा तो। और इसमें डल्बी विजन वाला सपोर्ट दिया है। बैटरी के बारे में बात करेंगे, तो 65 वाट का चार्जर दिया है, और बैटरी ये लास्ट करता है जब हैवी काम करते हैं आप, हैवी एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करते हैं, वो 4.5 घंटा तक चलता है, लेकिन आप नॉर्मल यूसेज में ये 6 से 7 घंटा तक चलता है। और आप चार्जिंग कनेक्ट करने के बाद ही आप ओपन करेंगे तो पता चलता है कि यहाँ चार्ज हो रहा है। ओके, इधर लाइट पर आप पता कर सकते हैं, लेकिन बाहर कोई लाइट नहीं है कि पता चले कि चार्ज हो रहा है कि नहीं, तो आपको लैपटॉप ओपन करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन चार्जिंग बैटरी के बारे में बात करूँगा तो ठीक ठाक है बैटरी, बट अंडर 50 के बहुत सारे लैपटॉप आता है कि इससे अच्छा बैटरी देते हैं, लाइक रियलमी को जो नया लैपटॉप आया है। और लेकिन ये बहुत कम्पैक्ट साइज़ का है, आप कहीं पे भी रख के काम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए बैटरी साइज़ छोटा दिया है। और टच पैड को आप ऑफ ऑन कर सकते हैं, इधर एक टैप करने के लिए दिया है, तो आप उधर टैप करके टच को ऑफ ऑन कर सकते हैं। और इसमें आप अभी ऑन करेंगे लैपटॉप, और ऑन करने के बाद बहुत जल्दी ऑन हो जाता है। विंडोज़ 10 जब इंस्टॉल था, लेकिन विंडोज़ 11 जब इंस्टॉल किया थोड़ा सा स्लो हुआ, बट अभी जो अपडेट आया है विंडोज़ 11 का, उसके बाद ही लैपटॉप बहुत फास्ट हो गया है ओपन होने में।
और इसमें एक है लैपटॉप में कंट्रोल सेंटर्स, तो उधर आप कीबोर्ड का लाइट डिस्प्ले विविड चाहिए या गेमिंग के लिए चाहिए कैसे चाहिए वो सेटिंग कर सकते हैं, और फ़ैन का स्पीड और फ़ैन का नॉइज़ आप इधर सेटिंग कर सकते हैं कंट्रोल सेंटर में। ये एक अच्छा चीज़ दिया है नोकिया ने, और आपका सीपीयू का प्रोसेसर का लोड वगैरह ग्राफिक्स का लोड वगैरह इधर आप चेक कर सकते हैं। और ये था कंट्रोल सेंटर के बारे में। और इसमें आता है और एक ग्राफिक्स जो कार्ड दिया है, आई मीन अल्ट्रा एचडी, तो इसमें क्या होता है वीडियो काफ़ी अच्छा है, एचडीआर वीडियो डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है, और ये है 1080p का 60p रिफ्रेश रेट है। और इसमें रेजोल्यूशन के बाद में बात करेंगे, अभी इधर देख सकते हैं ये 4K डिस्प्ले नहीं है, इसी प्राइस रेंज में 4K आ रहा है रियलमी में जो लैपटॉप दिया है। अच्छा डिस्प्ले इसमें बिल्कुल ही ख़राब नहीं है, और लेकिन 4K डिस्प्ले नहीं है, बट HDR और डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है। और ये था डिस्प्ले के बारे में। और हम जाएंगे डॉल्बी एक्सेस, तो साउंड में दिया है डॉल्बी एटमॉस, तो आप एक स्पेशल ऑडियो आप सिलेक्ट कर सकते हैं उधर जाके राइट क्लिक करके, डॉल्बी एटमॉस फॉर बिल्ट इन स्पीकर और हेडफोन्स जो भी है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको फ्री दिया है, इसमें पैसा लगता है, लेकिन नोकिया ने ये फ्री दिया है, आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा ये वाला एप्लीकेशन। और इसमें जो दिया है आप इधर वीडियो वगैरह प्ले करके आप चेक भी कर सकते हैं, और मैं एक प्ले करता हूँ। तो इसका जो बिल्ट इन स्पीकर है बहुत अच्छे से डॉल्बी एटमॉस काम करता है, और आप इधर हेडफोन के लिए और होम थिएटर के लिए डॉल्बी एटमॉस सेटअप कर सकते हैं। और इधर एक सेटिंग से उधर जाएंगे तो आप डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विजन का सेटिंग मिल जाएगा आपको विंडोज 10 में, लेकिन मैं जब विंडोज 11 को अपग्रेड किया ये डॉल्बी विजन वाला जो टैब था वो मुझे नहीं मिला। आप नीचे वाला वीडियो देख सकते हैं, सिर्फ डॉल्बी एटमॉस के लिए इक्वलाइजर वगैरह सेटिंग है, बट डॉल्बी विजन के लिए विंडोज 11 में नहीं है, लेकिन ये डॉल्बी विजन काम करता है विंडोज 11 भी। मैं चेक कर लिया था नेटफ्लिक्स में तो डॉल्बी विजन लिख रहा था, इसका मतलब डॉल्बी विजन काम करता है विंडोज 11 में, बट डॉल्बी एक्सेस एप्लीकेशन में नहीं दिखाता है। और आपको डॉल्बी एटमॉस सुनना है तो आपको अच्छे से हेडफोन एक चाहिए जिसमें आप वायरली और ब्लूटूथ में कनेक्ट करके आप सुन सकते हैं डॉल्बी एटमॉस। फिर स्पीड के बारे में बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा स्पीड है एप्लीकेशन, 133 MB, और मूवीज़ वगैरह 38 MB पर सेकेंड पर पेन ड्राइव से ट्रांसफ़र होता है। और मल्टीटास्किंग आप कर रहे हैं तो बहुत ही फास्ट काम करता है, i5 का प्रोसेसर 10th जनरेशन, और 11 देता तो और अच्छा होता ऐसे प्राइस रेंज में, बट 10th जनरेशन में भी काफ़ी अच्छा मल्टीटास्किंग वगैरह कर सकते हैं, वीडियो एडिट वगैरह बिल्कुल भी लैपटॉप स्लो नहीं होता। मैं बहुत सारा वीडियो एडिट और हैवी एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, सब अच्छे से चलता है। और एक कमेंट आया था कि इसको 10 से 11 कैसे अपडेट करते हैं, आई बटन पे आप अभी देख सकते हैं कि मैं एक वीडियो लिंक दिया हूँ, उसमें आप पता कर सकते हैं कैसे अपडेट करना है। और ये अभी अपडेट होने के बाद विंडोज़ 11 पहले तो स्लो चल रहा था, लेकिन अभी अपडेट के बाद विंडोज़ 11 का लेटेस्ट बग फिक्स अपडेट आया है, वो बहुत अच्छे से काम करता है। और विंडोज़ 11 का ये देख सकते हैं होम सिंगल लैंग्वेज यूज़ हुआ है। कमेंट यह था कि वारंटी वगैरह कैसे क्लेम करेंगे, आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरर लिखा हुआ है फ्लिपकार्ट इंडिया, तो आप फ्लिपकार्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वारंटी क्लेम करने के लिए। और विंडोज़ 11 अपडेट के बाद बहुत सारे न्यू फीचर्स मुझे देखने को मिला, लाइक आप एक्सटर्नल साउंड कार्ड या और एक्सटर्नल डैक कनेक्ट करते हैं साउंड सुनने के लिए, तो आपको एक्स्ट्रा मुझे सेटिंग मिला कि जाके आप उधर देख सकते हैं कि कितना क्वालिटी में साउंड आ रहा है, लाइक 32 बिट लॉसलेस साउंड आता है, 32 बिट से 384 kHz तक स्टूडियो क्वालिटी साउंड आता है एक्सटर्नल डैक से, मतलब फुल पोटेंशियल में काम करता है विंडोज 11 में। और इनबिल्ट स्पीकर को आप देखेंगे चेक करेंगे तो उसमें 192 Hz आता है वो, जो कि बहुत अच्छा है इस प्राइस रेंज में। तो अब ऑडियो फाइल है तो आपको ऑडियो सुनना पसंद है तो ये भी अच्छा एक लैपटॉप है आपके लिए, तो आप इसको 50K में कंसिडर कर सकते हैं, नहीं
आप ये पूछे थे, तो मैं बोलूँगा कि आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं अंडर 50K। ये बहुत अच्छा लैपटॉप है, लेकिन ये गेमिंग के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ये बिजनेस लैपटॉप है, मल्टी टास्किंग के लिए ये बहुत अच्छा है। और इसमें 11th जनरेशन का i5 प्रोसेसर और बैटरी और थोड़ा ज़्यादा अच्छा देता तो बहुत अच्छा लैपटॉप हो सकता था। फिर भी ये बहुत वैल्यू फॉर मनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।